हेलो दोस्तों, सो कैसे हो आप? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेल में लैपटॉप में हम विंडो कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे हाथ में देखो, आज पेन ड्राइव है, आज मैं आपको विंडो करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये पेन ड्राइव हमने लगाना होता है इस USB पोर्ट में। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, उसके बाद हमें पावर ऑन ऑफ बटन प्रेस करना था और उसके साथ में हमें F12, अगर डेल का है तो F12 है, अगर आपका HP का लैपटॉप है तो F9 प्रेस करना होता है, या असूस या एसर या लिनोवो का लैपटॉप है तो उस सिचुएशन में या तो एस्केप चलता है या तो F12 चलता है। तो अब मैंने पावर ऑन ऑफ बटन प्रेस कर लिया है, उसके बाद मैं F12 प्रेस करता रहूँगा जब तक मेरी डिस्प्ले में डेल का लोगो के बाद मेरी पार्टीशन वाला ऑप्शन नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होता है अपना USB वाला, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे। अब यहाँ से देखो मैं इसको कर रहा हूँ नीचे, तो वो देखो नीचे हो गया। उसके बाद हम करेंगे एंटर, ये मैंने एंटर कर लिया है और ये एंटर हो गया है मेरा, देखना मैंने सिलेक्ट किया विंडो पेन ड्राइव को, उसके बाद ये एंटर हो गया उसमें। अब अगर आपकी विंडो में दो ऑप्शन है, आपने 32 बिट और 64 बिट वाला बनाया तो उसको आपने चूज़ करना है, मैंने 64 बिट वाले पे करना है तो मैंने चूज़ कर लिया है 64 बिट को। बाद अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा वेट इसलिए करना है क्योंकि आपकी जो विंडो है ना वो इंस्टॉल मतलब वो उठाता है, ये लोड उठाता है विंडो का। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद आपकी जो डिस्प्ले है समटाइम उसमें ना ऐसी यहाँ पे लाइनें भी आ जाती है, तो उसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चीज़ इसमें छेड़ना नहीं, आपने सीधा आपने क्या करना है, सीधा माउस के जरिए या फिर आप अपना टैब बटन यूज़ करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने जैसे ये मान के चलो मैंने टैब बटन किया सिलेक्ट, तो इसमें हमने करना है नेक्स्ट, ठीक है। सीधा हम नेक्स्ट पर लेकर आ जाएंगे इसको, ये और ये मैंने कर दिया नेक्स्ट। यहाँ से अब इसमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल करना है, विंडो इंस्टॉल है ना, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे सेटअप हो रहा है, सेटअप जो मतलब ये होता है कि जो आपकी जो विंडो है पेन ड्राइव में जो विंडो है ना उसका सेटअप उठा रहा है, ये लोड कर रहा है कि वो फाइलें अच्छे से है या नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई है, ये दिक्कत क्या आ गई है, अब ये चीज़ आप समझ लो कि मेरी जो पेन ड्राइव है वो एरर मार रही है, ठीक है। तो चलो हम दोबारा से पेन ड्राइव को एक बार ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद फिर से हम यहाँ से विंडो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं अब मेरी विंडो जो मेरी पेन ड्राइव थी जो एरर था वो मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे मैंने चार्जर कनेक्ट किया हुआ, तो चार्जर मेरा DC मशीन के साथ ये कनेक्टेड है लैपटॉप, इसलिए ये हमारा अडोप्टर की वार्निंग आ रही है, तो इसको हमने कंटिन्यू कर देना है। इसको आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते ही आपको यहाँ पर 2-3-4 ऑप्शन खुल जाएगी, आपने यहाँ पर सीधा सीधा आपको चूज़ करना है यहाँ पर जो आपका पेन ड्राइव है ना। तो मेरी UFI वाली पेन ड्राइव है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें 2-3 ऑप्शन आती है ऊपर आपके, और आपको करना है सिर्फ जो बूट में होता है USB वाले फाइल होती है, फाइल को हमने सेलेक्ट करना होता है। UFI वाला मेरी पेन ड्राइव है। अब उसमें ना समटाइम ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो ब्लर आ जाती है स्क्रीन या लाइनिंग आ जाती है स्क्रीन में, तो आपने उस टाइम बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना आपने, क्योंकि ये विंडो उठाता है और जब भी ये लाइन आती है आपकी डिस्प्ले में या फिर कुछ भी है तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा वेट करना है। थोड़ा वेट करोगे, अब देखो मैंने वेट किया, उसके बाद मेरी जो है वो विंडो खुल चुकी है। इसी तरह से आपने भी थोड़ा वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें खुल जाती है। अब ये सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद ये आगे का जो मेरा मेन पैनल है उसको ये खोल देगा, है ना। तो मैं अब यहाँ पे भी थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा वेट करने के बाद हम इसको थोड़ा वेट किया। वेट करने के बाद जो मेरी डिस्प्ले में है विंडो का पैनल खुल चुका है। अब इसको मैंने पहले जैसे आपको बताया था कुछ मत करना, आपने सिर्फ इसको यहाँ से आके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद सीधा यहाँ पे आपने क्या कर देना, विंडो इंस्टॉल कर देना, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे सेटअप जो है वो उठा रहा है मेरा,
सेटअप उठाने में यहाँ पे पहले मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मेरी जो पेन ड्राइव है उसमें ड्राइवर नहीं थे, तो इसकी वजह से मेरा पेन ड्राइव जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब मैंने दोबारा से अपनी पेन ड्राइव को रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद उसमें विंडो जो ड्राइव विंडो थी उसको रीइंस्टॉल किया अपनी पेन ड्राइव में। रीइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से मैं अब लैपटॉप में इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि ये इंस्टॉलिंग हो रहा था सेटअप का, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट पैनल खुल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास नेक्स्ट पैनल खुल चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, मैंने जो ये प्रोडक्ट की होती है, अगर आपके प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको सीधा यहाँ से कैंसिल करके आप इसको आगे कर सकते हैं। और आप यहाँ पे खुल जाते हैं काफ़ी सारे सेटअप, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप चूज़ करना है। तो मैं करूँगा विंडो 10 प्रो, इसमें सारे आते हैं, होम, सिंगल लैंग्वेज, ठीक है, या सिंगल लैंग्वेज एन होम, विंडो होम, ये वो सो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। तो मैं करूँगा विंडो 10 प्रो, ठीक है। विंडो 10 प्रो करने के बाद मेरा यहाँ से थोड़ा सा ये लोड लेगा, क्योंकि विंडो का जो मोड है उसको ये अपलोड करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा एक्सेप्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मत करना आपने, सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्ट करके और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट यहाँ से। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमने कुछ भी मत करना, हमने नीचे वाले विंडो में आके ऑप्शन, ये ऊपर वाला होता है विंडो अपलोडेड, ये वो सो, तो हमने कस्टम इंस्टॉल इन विंडो इसमें कर देना है कि हमारी जो विंडो है हमने खुद अपनी वाली करनी है। अब यहाँ पे आपने चूज़ करना है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है। यहाँ पे विंडो जो सी ड्राइव होता है वो ही आपने चूज़ करना है। अगर आप कोई भी ऐसी ड्राइव चूज़ कर दोगे जो और होगी तो आपका डाटा सारा उड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान से चीज़ चेक करनी होती है कि विंडो आपकी जो सी ड्राइव है वो कौन सी है। मेरी सी ड्राइव जो है वो ऊपर है 119 GB के जो है, यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है। और मैं यहाँ सीधा इसको क्या करूँगा नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा ये थोड़ा सा लोड लेगा, लोड लेने के बाद ये सीधा चल जाएगा विंडो इंस्टॉलिंग में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरी जो इंस्टॉल विंडो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें 3-4 स्टेप आते हैं, 4-5 स्टेप होते हैं, ये सारे कंप्लीट होंगे उसके बाद मेरी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद हम इसका जो है सेटअप करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ में आपने पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है आपने। ये चीज़ आपके अगर हार्ड डिस्क है तो अप्रोक्स मार के चलो आधा घंटा लग जाएगा, अगर SSD है तो मार के चलो आप 10 या 12 मिनट में आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। पर अगर हार्ड डिस्क का वहीं पे 15 से 20 मिनट इजीली लग जाते हैं। तो चलो अब हम थोड़ा वीडियो करते हैं फास्ट, इसमें ये जो है विंडो इंस्टॉल होने देते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मेरी विंडो जो है वहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, इसी को ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद ये देखो 99% हो चुका है, 100% हो जाएगा, फिर इंस्टॉलिंग फ्यूचर होगा, फिर इंस्टॉल अपडेट होगा, फिर फिनिशिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा 2-4 मिनट लगने वाले हैं। तो ये देखो ये हो चुका है, अब जो है वो इंस्टॉल फ्यूचर हो रहे हैं, उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट होगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा मेरे विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे और 2-3 मिनट लगने वाले हैं, इसको भी हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि इस टाइम हमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है, अब यहाँ पे होगा मेरा विंडो रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होने के बाद सीधा जाएगा ये सेटअप पे, सेटअप होने के बाद जो है हम इसको एक बार चला के भी चेक कर लेंगे। तो अभी मेरा जो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट होने के लिए जा चुका है, अब यहाँ पे मेरा लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा, आप देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले आ चुका है दोबारा से, मेरा लैपटॉप जो है रीस्टार्ट हो। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो गेटिंग रेडी स्टार्टिंग सर्विस पे आ चुका है। स्टार्टिंग सर्विस पे आने के बाद ये 1-2 मिनट लेगा। अब यहाँ इसके बाद जो है हमारा जो है सेटअप खुल जाएगा, जहाँ से हमने अपने लैपटॉप को जो है सेटअप करना है। तो यहाँ पे हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, मेरा विंडो जो है वो रेडी हो रहा है ओपन होने के लिए। तो ये दोबारा से रिस्टार्ट होकर लैपटॉप हमारा, ये लैपटॉप ऐसे वर्क करता ही है, ठीक है। तो गेटिंग रेडी हो चुका है मेरा लैपटॉप, मेरा लैपटॉप अब सेटअप
करेंगे हम इसका जल्दी से और इसको हम चला के चेक करेंगे एक बार। तो गाइस मेरा लैपटॉप जो है वो रेडी है सेटअप होने के लिए। अब जल्दी से हम इसका क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चूज़ करना होता है अपनी कंट्री को, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री को आप चूज़ करें, उसके बाद हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। तो मैं चूज़ कर लूँगा यहाँ पर इंडिया, तो मैं अभी इंडिया को सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं मेरे इंडिया 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 जब इंडिया 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 मेरा इंडिया महान है। तो भाई हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं अपनी इंडिया कंट्री को, आई लव माई इंडिया कंट्री। तो हम अपनी इंडिया कंट्री को सर्च करते हैं यहाँ पे। आप अपनी कंट्री को सर्च करने के बाद उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट पे जाके सिलेक्ट कर दोगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग हो जाएगी, आपकी जो सेटिंग है वो बाद में अलग हो जाएगी, आपकी लोकेशन सही नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसको ही यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेते हैं। इंडिया चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज है, सॉरी पहले हमने कंट्री को सिलेक्ट करना है, फिर हमने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे ये मेरे से लैंग्वेज पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज हम निकली इंग्लिश इंडियन। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, स्किप स्किप करते रहेंगे, सारी चीज़ें स्किप स्किप करेंगे, हर चीज़ को स्किप करेंगे। इंटरनेट के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी मत कनेक्ट करना। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लोगे तो आगे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन आएंगे, आपको वो फुलफिल करने पड़ेंगे। तो हम इसको यहाँ पर भी क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। हम इंटरनेट के साथ यहाँ पर कनेक्ट करके सेटअप को नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उसके में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ फिर से स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद जैसे हम यहाँ पे स्किप करेंगे इंटरनेट की सेटिंग को, इंटरनेट की सेटिंग के बाद हमारे को यहाँ पे नाम डालना होता है, तो हम सीधा लिख देते हैं डेल, ठीक है, क्योंकि डेल का ही पीसी है तो मैं डेल ही लिखूँगा। इस पर पासवर्ड मत डालना, पासवर्ड डालोगे तो और भी बहुत सारी आपसे टर्म एंड कंडीशन मांगेगा, तो इसलिए पासवर्ड भी आप बाद में ही क्रिएट कर लेना। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे सारी टर्म एंड कंडीशन को। आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है, हम सीधा यहाँ से एक्सेप्ट और नेक्स्ट ही करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को आगे पीछे कर लिया तो आपको बाद में सेटिंग ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो विंडो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ से ये 1 से 2 मिनट लेगा, ठीक है। 1 से 2 मिनट के बाद हमारा जो लैपटॉप है वो विंडो पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये मांग रहा है, ठीक है। इसमें हमारे को कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करके आपको दिखा देता हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा लैपटॉप अब ऑन होने वाला है। इसमें हमारे को कुछ भी नहीं करना है, पीसी हमने यहाँ पे ऑन नहीं करना। ऑलमोस्ट देयर, सब कुछ ओके हो चुका है। तो देख सकते हैं आप मेरा जो लैपटॉप का विंडो है वो आ चुका है। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो हमने पहले तो सेटिंग में जाना है चुपचाप। हम यहाँ से अपना जो पार्टीशन है, पार्टीशन पहले चेक कर लेंगे कि हमारी सारी जो डिस्क है वो ओपन हो रही है या नहीं। तो हमारी डिस्क ऑलमोस्ट देख सकते हैं मेरी डिस्क सारी ओपन हो चुकी है। इसमें डाटा वगैरह लॉस नहीं हुआ है मेरा, ठीक है। जो जो डाटा था कस्टमर का वो सेफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाके पहले हम एक बार फिर से हम विंडो वगैरह का सेटअप चेक कर लेते हैं कि विंडो कौन सी हुई है। और इसमें पहले मैं इसको रिस्टार्ट करने वाला था, पर अब रिस्टार्ट हम इसको नहीं करेंगे। पहले हम सेटअप जाएंगे, सेटअप को चेक करेंगे। सेटअप यहाँ से जाएंगे हम सीधा, किस में जाएंगे हम, इसको ओपन कर लिया हमने माई पीसी। दिस पीसी में जाके हम करेंगे दिस पीसी में जाके हम करेंगे इसको राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमारा आएगा प्रॉपर्टीज़, है ना। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं ये है दिस पीसी को मैंने किया ओके, और ये आई हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम जाके चेक करेंगे कि कौन सी विंडो इसमें हमारी भी वर्क करे। विंडो 10 आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षर में हमारी विंडो 10 आ चुकी है इसमें, ठीक है। विंडो 10 प्रो है इसमें, अभी हमारी चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप में विंडो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।